फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं, खास करके उन जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर के जो कि दिल्ली एनसीआर या सेमी रूरल इलाके में या कस्बे टाइप के इलाकों में जो पुरानी जमीनें हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं लोगों की, जिसमें जिनकी खसरा खतौनियों में एंट्रीज हो रखी हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री हो रखी हैं, पर उनका कोई टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे में अक्सर जब लोग जमीनें खरीदने इन इलाकों में जाते हैं जहां पे पुश्तैनी जमीनें हैं, जिसका कोई अलग से टाइटल डॉक्यूमेंट, कोई सेल डीड, कोई गिफ्ट डीड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ खतौनियों में नाम चढ़ा हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ा हुआ है, जमाबंदी, फर्द, खसरा खतौनी, इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है और इनमें उनके नाम चढ़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि ये उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, वो इसके मालिक हैं, उनको बेचने का पूरा हक है। लेकिन खरीदने वालों को यहाँ पे टेंशन हो जाती है कि इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, क्या ये सचमुच इसके मालिक हैं, क्या इस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से सवाल आते रहते हैं दोस्तों। ऐसे में खास करके जो खास बात है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि जिसका खसरा खतौनी में, फर्द में या जमाबंदी में नाम चढ़ा हुआ है वो बेसिकली उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, ओनर होता है और ऐसी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं इसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि खसरा खतौनी की या उसमें अगर म्यूटेशन चढ़ा हुआ है, अगर दाखिल खारिज हो रखा है, तो क्या उससे मालिकाना हक मिलता है या नहीं मिलता है, मालिकाना हक मिलता है तो किस लेवल का होता है, क्या वो एब्सोल्युटली डिस्प्यूट फ्री होता है, क्या उसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन आ सकती है या नहीं आ सकती। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, आपको हर नए वीडियो अपलोड के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों बात आज कर रहे हैं दाखिल खारिज की। तो दाखिल खारिज बेसिकली है क्या? तो अगर इसको सही शब्दों में कहा जाए कि कोई पुराना मालिक है जिसका नाम ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड में या फिर सरकारी रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है उसमें चढ़ा हुआ है, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, कहीं पे खसरा खतौनी कहा जाता है, कहीं पे जमाबंदी कहा जाता है, कहीं पे फर्द कहा जाता है। तो इस फर्द में अगर किसी का नाम चढ़ा हुआ है तो वो जनरली लोगों की ये धारणा है, अब मानना है कि वो जो व्यक्ति है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी वो या तो डायरेक्ट ओनरशिप है या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की, यानी कि उसके बाप दादाओं की दादा लाई प्रॉपर्टी है। और ऐसे में जब एक ये व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है या फिर वसीयत कर देता है या फिर इसकी मृत्यु के बाद इसके लीगल हेयर्स जो हैं जो इस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक रखते हैं, तो ऐसे में जब मालिक चेंज होता है तो वो अपना जो नाम है, वो जो अपना स्टेटस है एज मालिक, इस सरकारी रिकॉर्ड में चढ़वाता है। तो जब एक पुराने ओनर का नाम, व्यक्ति का नाम इसमें से हटा दिया जाता है, इसे कहा जाता है खारिज करना, और नए ओनर का नाम इस रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं दाखिल करना। तो यानी कि ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस है, पुराने ओनर का नाम हटा करके नए ओनर के नाम को ऐड करना, चढ़ा देना, इसको कहते हैं दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। तो दोस्तों ये तो है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। अब बहुत से लोग मेरे पास, इनफैक्ट काफी पुराने जो बैंकर्स हैं, जो प्रॉपर्टी के जानकार हैं, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, उस पर लोन देते हैं, वो भी कहते हैं कि मैम खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है तो वो तो ओनर है ही ना, दाखिल खारिज हो रखा है उसके नाम का तो वो तो मालिक बन ही गया, उसका इंतकाल में नाम आ रहा है इस व्यक्ति का तो ये तो मालिक ही है, इसे तो हम मालिक मानेंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक क्लेरिफाई करने वाली हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ढेरों जजमेंट्स हैं, अगर बहुत रिसेंट जजमेंट की बात करूं तो एक रिसेंटली 2021 का भी जजमेंट आया है, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर जगह बहुत क्लियरली बोलता है
कि जो खतौनी का रिकॉर्ड है, जो सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो दाखिल खारिज है, जो इंतकाल में नाम चढ़ा हुआ है, या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन अगर किसी के नाम का हो रखा है, तो दैट इज नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट। वो आपका जमीन का कागजात नहीं माना जाएगा, वो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, वो आपको एब्सोल्यूट मालिकाना हक नहीं देगा। यानी कि जिस व्यक्ति का नाम दाखिल खारिज के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू, या फिर दादालाई प्रॉपर्टी होने की वजह से, किसी भी रीजन से अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ा हुआ है और वो इकलौता सबूत है उसके मालिक होने का, तो ये बात हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्लियर की है कि ये जो है अपने आप में आपके एब्सोल्यूट ओनरशिप का रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है कागजात को लेकर के, तो आपको जो एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ है वहां से अपने टाइटल के डिस्प्यूट को क्लियर करना होगा। सिर्फ ये फैक्ट कि आपका नाम दाखिल खारिज हो रखा है, आपका नाम म्यूटेशन हो रखा है सरकारी रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, डजंट मेक यू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको एब्सोल्यूट मालिक नहीं बनाता है प्रॉपर्टी का। खास करके उन केसेस में कि सपोज कीजिए किसी के पिता के नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ी हुई थी और उसने अपने पिता से विल ली, वसीयत ली, और उस वसीयत के बेसिस पे पिता की मृत्यु के बाद पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दे करके और अपनी विल दिखा करके वो व्यक्ति अपना नाम दाखिल खारिज करवा लेता है पिता की जगह पर, अपना नाम चढ़वा लेता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, तो इसका ये मतलब कतई नहीं हो जाता कि ये व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर हो गया जस्ट बिकॉज इसके नाम पे वसीयत थी। क्योंकि वसीयत का एक अलग कानून है, वसीयत का कानून कहता है कि लास्ट विल इज द वैलिड विल, यानी कि जो आखिरी वसीयत होगी वही वैलिड मानी जाएगी। अब ये तो साबित हुआ नहीं कि इस व्यक्ति के पास जो वसीयत थी वही आखिरी विल थी या नहीं थी, वही आखिरी वसीयत थी या नहीं थी। तो अगर वसीयत को लेके लीगल हेयर्स में कोई डिस्प्यूट आता है, कोई दूसरे बच्चे या भाई बहन इनके सामने आ जाते हैं जो कहते हैं कि इनकी वसीयत के बाद एक और वसीयत उनके नाम पे बनाई गई थी, तो ये जो चीजें डिसाइड होंगी, ये जो डिस्प्यूट डिसाइड होगा, ये एक एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होगा, एप्रोप्रिएट फोरम में डिसाइड होगा, वो तहसीलदार के ऑफिस में डिसाइड नहीं होता है। और तहसीलदार के दाखिल खारिज कर देने भर से ये व्यक्ति जो है ओनर नहीं बन जाता है, मालिक नहीं बन जाता है। कई जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है कि जो दाखिल खारिज है उसका केवल इतना ही मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये व्यक्ति देता है, इस प्रॉपर्टी का जो कर है, संपत्ति कर है, वो ये व्यक्ति चुका रहा है, इससे ज्यादा इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। तो अगर आप इस भ्रम में रहते हैं कि किसी के नाम पे खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है, या फिर उसने खरीद करके, या फिर वसीयत के थ्रू, या फिर बीइंग लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज डोनर, यानी कि संपत्ति के मालिक के मरने के बाद उसके वारिस होने के कारण अपना नाम जो है दाखिल खारिज करवा लिया है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, इससे वो मालिक हो गया, तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। केवल दाखिल खारिज हो जाने से, या म्यूटेशन हो जाने से, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाने से आप मालिक नहीं बनते हैं। उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी कि टाइटल डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो टाइटल डॉक्यूमेंट जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब कि जैसे सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, ये एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन अगर विल है, यानी कि वसीयत है, तो वसीयत को भी हम एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बाद 2 या 3 बार या 10 बार या 50 बार या 100 बार भी वसीयत की जा सकती है, और वही वसीयत वैलिड मानी जाएगी जो मरने से पहले की सबसे आखिरी वाली वसीयत थी। और इस तरह का अगर कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में आ जाता है तो उसको एक कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, न्यायपालिका से ही डिसाइड हो सकता है, वो किसी तहसील ऑफिस से या रेवेन्यू ऑफिस से नहीं डिसाइड हो सकता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं डिसाइड हो सकता। तो अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि उसका नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है, दाखिल खारिज हो रखा है, तो केवल इस बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी वेरिफिकेशन कर लें कि वो कहीं और बिकी तो नहीं हुई है, कोई और उसके वारिस तो नहीं है, कोई और उस प्रॉपर्टी के ओनर्स तो नहीं है। बहुत बार इसमें इस तरह के धोखे हो जाते हैं
कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि किसी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है, 100 गज की प्रॉपर्टी है उसके पास, और वो 100 गज की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मेरे नाम पे सेल डीड हो गई रजिस्टर्ड, लेकिन सडनली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और मैंने वो सेल जो मेरे नाम पे सेल डीड होने के बावजूद भी अपना नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़वाया, नहीं चढ़वा पाई, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, 2 साल लॉकडाउन रहा और मैंने नाम नहीं चढ़वाया, तो वो जो व्यक्ति था जिसने मुझे वो 100 गज जमीन बेची थी, वो तो उठा के आपको जमीन बेच देगा कह के कि उसका नाम तहसील रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है और वो अभी भी मालिक है, और आप ये जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि ये प्रॉपर्टी तो वो ऑलरेडी बेच चुका है, लेकिन जो नया खरीदार है उसने अपना नाम जो है म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज नहीं करवाया है, इंतकाल में नहीं चढ़वाया है अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के। ऐसा भी हो सकता है कि कोई करता हो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और वो जो HUF का करता है अपने रसूख का इस्तेमाल करके केवल अपना नाम चढ़वा ले खतौनी में और उस प्रॉपर्टी को बेच दे और ये चीज रिवील ही ना करे कि ये प्रॉपर्टी जो है उसके इंडिविजुअल नाम पे नहीं है, उसकी फैमिली प्रॉपर्टी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरह विल से रिलेटेड भी फ्रॉड्स हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके जो 2 बच्चे गांव में रहते हैं वो अपना नाम चढ़वा लेते हैं तहसील रिकॉर्ड में, दाखिल खारिज करवा लेते हैं, और वो ये बात सामने ही नहीं आने देते कि उसके 2-3 बच्चे और हैं जो उस गांव में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं विदेश रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड्स बहुत होते हैं, इसलिए जब तक कि उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स ना हो, टाइटल डॉक्यूमेंट्स ना हो, या फिर प्रॉपर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ये क्रिस्टलाइज ना किया गया हो कि एक्चुअली उस संपत्ति का मालिक कौन बनता है, टाइटल किसके नाम पे आना चाहिए, ओनरशिप किसकी बनती है, उसके बिना केवल दाखिल खारिज के बेसिस पे, केवल खतौनी के बेसिस पे किसी को भी मालिक मान लेने से आप धोखा खा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ बताएं।